हाथरस में हुई भगदड़ की घटना के मामले में हाथरस एसपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि मुख्य आरोपी और कार्यक्रम के आयोजक देव प्रकाश मधुकर और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। पूछताछ में यह भी पता चला है कि कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इन्हें संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरह के कार्यक्रम में इनके संसाधन किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं किए जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक और निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदर राव पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 सब क्लॉज 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की सूचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है।